আপনাদের সামনে এখন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী, আমাদের দিদি, তিনি বক্তব্য রাখবেন, আপনাদের শুভেচ্ছা জানাবেন। তারপরে আছে আমাদের নয়নমণি, আমাদের যুব নেতা শ্রী অভিষেক ব্যানার্জী আছেন, তিনিও আপনাদের শুভেচ্ছা জানাবেন। नमाज पढ़ाते हैं जो हमारा सबसे सीनियर बुजुर्ग हमारा जो है फजलुल साहेब, हम उसको हमारा सलाम कहती हूँ। हमारे साथ जावेद अभिषेक और भी बहुत सारे आप लोगों को कम्युनिटी का भाई बहन है। मैं आप लोगों को ईद मुबारक कहने चाहूंगी। ये ईद खुशी का ईद है। ये ईद जाने वाला दुश्मन का खिलाफ का ईद है। ये ईद हिम्मत का ईद है। ये ईद आपको जिंदगी में रोशनी ले आने का ईद है। ये ईद हमको हिम्मत देने का ईद है। एक महीना रोजा पालन करके, रमजान मास पालन करके ऐसा ईद करना, यह बहुत बड़ा दृष्टांत है। ये बहुत बात है। हम एक दिन अगर उपवास करते हैं तो तीन दिन खाना पड़ता है, लेकिन आप लोगों ने एक महीना तक पानी भी नहीं पीता है। सुबह से शाम तक एक जब तक आप रोजा नहीं तोड़ते हैं, जब तक इफ्तार नहीं करते हैं। मैंने सोचा काल ईद होगा लास्ट यस्टरडे, इसी के लिए मैंने प्रोग्राम रख दिया था, लेकिन मेरे को आज रेड डोर तो आना ही है, मेरे को नॉर्थ बंगाल में भी जाना है। मैं ऐसा करके दो जगह करके हम फिर वापस जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे, उसका बाद हेलीकॉप्टर में जाएंगे। हमको हसीमारा से चालसा जाने पड़ेगा, लेकिन हम रेड रोड का नमाज हम जिंदगी में कभी मिस नहीं करेंगे। कि आप लोगों का मॉर्निंग लेकर हमको जो मौका मिलता है, इसको हम सोचता है ये अल्लाह का मेहरबानी है, ये अल्लाह का कामयाबी होने के लिए अल्लाह का दुआ है। देखिए, दुआ तो सब मांगते हैं, लेकिन अल्लाह का दुआ सच्चा दिल से कितना लोगों को मिलता है। जो सच्चा इंसान है अल्लाह का दुआ उसको पास मिलता है, जो सच्चा इंसान नहीं है अल्लाह का दुआ उसको पास इतना कीमत से नहीं मिलता है। अल्लाह का कीमत है दुआ का बहुत बड़ा है। हम नफरत नहीं करने जानते हैं, हम नफरत नहीं, हम हेट नहीं, हम हेट स्पीच नहीं, हम डिवाइड नहीं, हम एनआरसी नहीं, हम क्या नहीं, हम चाहते हैं सब लोग भाईचारा का तरह एक साथ में रहेंगे, हम लोग जुलूम नहीं सहेंगे। अब एक कट्टर रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और जब तक हम लोग जिंदा है आप ये याद रखना, हमको जिंदगी भी बर्बाद होना पड़ेगा उसके लिए भी हम तैयार है। अब मत कर डरते नहीं है, लेकिन हम जनता का पास में है, हम रहते जाऊंगी। मैं तो सीखा आप लोगों से, मैं आप लोगों से सीखा कि हम मौत को डरते नहीं है, मौत हमको डरते हैं। कोई कोई चाहते हैं जैसा ही चुनाव में सबको डर दिखाओ, सबको एनआईए में डाल दो, सबको सीबीआई में डाल दो, सबको इनकम टैक्स में डाल दो, सबको ईडी में डाल दो। हम बोला इससे आधा तो अच्छा है, आप एक जेलखाना बना दो, सब लोग चला जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में 130 करोड़ का 130 करोड़ का देश है, आप सबको जेल में डाल सकते हैं? हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर का ताला लड़ते हैं।
और किसका बाजू कथिल में है। हम तो कहते हैं रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। और जनता का दुआ कामयाबी से होता है, जुलूमबाजी से नहीं, जुलूमबाजी से नहीं, भावताबाजी से नहीं। ए याद रखना, हम देश के लिए खून देने के लिए तैयार है, किंतु हम देश के लिए अत्याचार छोड़ने के लिए हम रेडी नहीं है, हम प्रस्तुत नहीं है। जितना भी जुलूमबाजी है आप करके देखो, जितना भी जुमलाबाजी हो कर लो। आज चुनाव का टाइम में आप चुन चुन के मुस्लिम लीडर को फोन करते हैं और करके बोलता है क्या चाहिए। हम बोला कुछ नहीं चाहिए, ओ लोगों का हिम्मत से काम लेना है। ओ लोगों को वादा होता है, ओ लोगों को प्यार को मोहब्बत को छीनना इतना मुश्किल आसान नहीं है। मैं तो हर तरह विश्वास करती हूँ कि ईद का जो चांद है, ईद मुबारक जो होता है, चांद मुबारक का बाद एक खुशी का चांद है, एक खुशी का ईद है, जनता का ईद है। मुने रखबें ईद मुबारक जानाई सबाई के, भालो थाकबें। अल्लाह ताला आपनादेर दुआ कबूल करेछेन, ताई आज के आपनारा ईद पालन करछेन। खुशी ईद আপনাদের ভালো রাখুন, আপনাদের সন্তানদের ভালো রাখুন। আমি জানি অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আছে, এনআরসি হবে কিনা, সিএএ হবে কিনা, আবার ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ারা, ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আসছে। আমরা মানব না, গায়ের জোরে মানব না, গায়ের জোরে মানব না, গায়ের জোরে মানব না। আবার বলছে নাগরিক কেসে হ্যাঁ, तो आप पहले सोचिए कि आप नागरिक कैसे हैं। अगर हम नागरिक नहीं है तो आप कैसे हैं? जनता ने वोट दिया आपको नागरिक बना, आपको बनाया प्रधानमंत्री, बनाया चीफ मिनिस्टर, बनाया जिला परिषद, बनाया ग्राम सभा, बनाया पंचायत, बनाया म्युनिसिपैलिटी, बनाया। और आपको भी कहते हैं वो नागरिक क्या है, आप तो है ही नहीं। हम कहते हैं आने वाला दिन आप तो है ही नहीं, हमको उत्तर हमको लिखता है ऐसा ही है। इसके लिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको परिवार का साथ मिल रहा है। मैं हमारा दोस्त है तो हम जरूर कहते हैं खुद ही को कर बुलान दिखना, खुद ही को कर बुलान दिखना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता करी राजा क्या है। আমার রাজা কি? আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন। নো এনআরসি, নো ক্যা, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকার, নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো তুমি আমাকে জেলে ভরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি মুদ্রায় লাখ বুড়া চাহে তো ক্যা হতা হ্যায়, ওই হতা হ্যায় জো মঞ্জুরে খুদা হতা হ্যায়। মনে রাখবে আমরা সবাই সবাইকে ভালোবাসি, বিশ্বাস করি। আপনাদের পরিবার পরিজন যারা বাইরে কাজ করে তাদের বলবেন ভোটটা যেন দিয়ে যায়, তা নাহলে তাদের নামগুলো কেটে দেবে। পরে বলবে মাছের মাথাটা দেখছেন তো, ওটা হচ্ছে ক্যা, আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি, আর মধ্যখানে পেটিটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এটা যদি না চান বরাবরই আপনাদের আশীর্বাদে দোয়ায় আমরা কিন্তু এখানে আছি। আমি এখনো বলি তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যদিও এখানে বলা উচিত নয়, কিন্তু ইলেকশনের সময় মনে রাখবেন ফাইট আমাদের সাথে বিজেপি। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কি করবে আমরা দেখে দেব, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির সাথে। একটা ভোটও যেন অন্য কোন দলে না যায় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। হিন্দুস্তান হামারা, হে হামারা দেশ হ্যায়,
गांधी जी काम किया तो उनका साथ में भी एक मुस्लिम दोस्त था। नेताजी किया तो शहनाज खान था, रविंद्रनाथ थे तो सबको लेके किया है, नजरुल थे तो एक ही बिन के दूटो कुसुम, हिंदू मुसलमान एकजन तर नयनमणि और एकजन तर प्राण। चाहे नजरुल हो, चाहे नेताजी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे रविंद्रनाथ हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, ये धर्म हम लोग कभी नहीं माना जो अभी बाहर से ले गया है, जिसका साथ हिंदुस्तान का कोई संपर्क नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। और एक बात आपको कहने चाहूंगी, ईद मुबारक का साथ साथ में पहला वैशाख आ रहा है, शुभ नववर्ष, और हमारा फाउंडेशन डे बंगाल को आप लोगों को शुभकामना है। साथ साथ में अन्नपूर्णा पूजा भी है, लेकिन अन्नपूर्णा पूजा माता को हम श्रद्धा करते हैं, और ये लोग इसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल कुल, हम रहेगा कुल कुल, उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो, सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा, यही बात में रहता है। हम तो एक छोटा आसमान चाहते हैं, सुंदर आसमान, जिसके लिए सब लोगों ने एक साथ में रहेगा, हम एक सुंदर आसमान चाहते हैं। इसी के लिए मैं यही बोला, इकबाल ने एक कविता लिखा था, जब उसको माताजी का देहांत हुआ था, उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रहे, जब मेरी खिदमत करने, जब मैं तेरी खिदमत करने का कबूल हुआ तू चल बसी, बहुत दुख हुआ था। इसी के लिए अभी से याद रखना, कोई भी दुष्टुमी हो, जतई बदमाशी हो, जतई चक्रांत हो, जतई टाकार खेला हो, जतई नोंरामी हो, जतई रंगम छाया मौका हो, मने रखबे आपका ईमानदारी, आपनादेर ईमानदारी आमादेर बांग्लाय मामाटी मानुष के अनेक शांतिते रेखेछे, भालो रेखेछेन। आपनारा शांतिते थाकबेन, आपनारा स्वस्तिते थाकबेन, आपनादेर जीवनेर निरापत्ता देवार दायित्व आमादेर, तार कारण आमरा थाकते आपनादेर केउ कोनो रकम अत्याचार करते পারবে না। একটা লোক ভয়ে গেলেও আমরা কিন্তু তাদের নিয়ে আসি, পরিযায়ী শ্রমিকদের। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, আর জুলুমবাজি নেই, জুমরাবাজি নেই, মাওতাবাজি নেই, ছোট হবে না। মনে রাখবেন একটাই আমরা সবসে বড় ধর্ম হ্যায়, হাম লোক এক সাথ মে রহেগা, এক কট্টা রহেগা, हम टूटने नहीं देंगे, हम जुएंगे। हम इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को, परिवार को, जब परिवार एक महीना तक आपको लिए खाना बनाते हैं, उपवास करके आप लोगों को खाना तैयार करके रखता है, और सब महिलाओं को, बहनों को, भाइयों को, बच्चा को भी हमारा बहुत बहुत प्यार है, हमारा मोहब्बत है। आप लोग हम इधर से जाने का बाद हम जो काम में जा रहा है, आपको दुआ चाहिए, आपको आशीर्वाद चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह, जोहर, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। हिंदुस्तान हम ही करेंगे और कोई नहीं, ये वादा रखिए। पहले कहा था आपकी बार 200 पार, हो गया 70 में खत्म, और अभी कहता है आपका बार 400 पार। मैंने बोला पहले 200 तो करो, उसका बाद 70 कटो, चिंता करबेन ना, भाববেন না, যতই মিডিয়াতে প্রচার করো, আর কিছু হলে কোর্টে কাম শুকে দিয়ে
সব আমাদের ছেলেদের ইংলিশ স্কুলে রেখে দিচ্ছে, বেল দিচ্ছে না। আর বিজেপি কাউকে একটা অন্যায় করলেও সঙ্গে সঙ্গে বেল দিয়ে দিচ্ছে। আমি তাদের বলবো হাত জোর করে, দয়া করে ইনসান কে লিয়ে, ইনসানিয়ত কে লিয়ে ইনসাফ দিজিয়ে। হাম ইনসাফ চাতে হ্যায়, হাম আর কুছ নেই চাতে হ্যায়। আমরা বিচার চাই, গণতন্ত্রের বাণী যেন নীরবে নিভিতে না পারে। অনেক অনেক ভালো থাকবেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আপনাকে